तो दोस्तों आज हो गई है 16 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संयुक्त किसान मोर्चा ने की है सिंघू बॉर्डर पर जघन्य हत्या की निंदा, खुद को निहंगों से किया है अलग। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर के करीब प्रदर्शन स्थल पर एक व्यक्ति की बर्बर हत्या की कड़ी निंदा की है और इस मामले पर खुद को निहंगों से यहां पर अलग कर लिया है। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान में आगे कहा है कि एसकेएम इस हत्या की निंदा करता है और यह स्पष्ट करना चाहता है कि इस घटना के दोनों पक्षों यानी कि निहंग समूह और मृतक व्यक्ति का मोर्चा से कोई भी संबंध नहीं है। मोर्चा किसी भी धार्मिक पाठ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ है, लेकिन यह किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता है। ये यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बने रहे तो 2024 में बिक जाएगा देश, किसान केंद्र को देगा 0 नंबर, बोले हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर 2024 तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रह गए तो ये देश बिक जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले और कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर के राकेश टिकैत इस दौरान बरसे हैं। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश का किसान इस सरकार को 10 में से 0 नंबर देगा। उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए कहा है कि यह गिरफ्तारी रेड कार्पेट पर की गई है। और वहीं टिकैत ने कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का तुरंत इस्तीफा लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन यहां पर किया जाएगा इस सरकार के खिलाफ। देख सकते हैं राकेश टिकैत ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि सरकार को किसान यहां पर 0 नंबर देगा 10 में से। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, सिंघू बॉर्डर मामले में निहंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए किया है सरेंडर। आप लोगों को बताते चलें, सिंघू बॉर्डर हत्याकांड मामले में निहंग सरबजीत सिंह ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के सामने सरबजीत सिंह ने दावा किया है कि इस हत्या के पीछे उसी का हाथ है और उसने हाथ काटने और हत्या की यहां पर जिम्मेदारी भी ले ली है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 भाजपा में हलचल तेज, कटेंगे 100 से भी ज्यादा विधायकों के टिकट, दिल्ली में शुरू हुई हैं बैठकें। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही भाजपा विधायकों में हलचल मचनी शुरू हो गई है। भाजपा विधायकों को इस बात का डर बना हुआ है कि इस बार चुनाव में बहुत से विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। इसके लिए बीते 3 दिनों में यूपी के कई विधायकों ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। दरअसल ये हाजिरी भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारियों की लगातार बैठकों के चलते ज्यादा शुरू हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई विधायकों के यहाँ पर टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। इनमें से कई विधायक ऐसे हैं जो लगातार भाजपा के विरोध में ना सिर्फ बयानबाजी करते आ रहे हैं बल्कि सत्ता पक्ष के लापरवाह रवैये के विरोध में जिला प्रशासनिक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई विधायकों के बारे में यूपी भाजपा आलाकमान को इस बात की जानकारी मिली है कि वे दूसरी पार्टियों के लगातार संपर्क में हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, कांग्रेस ने गलवान वीडियो पर मोदी सरकार की चुप्पी पर उठाए हैं सवाल, कहा पीएम सुनिश्चित करें चीन की जवाबदेही। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने गलवान घाटी के वायरल हो रहे हृदय विदारक वीडियो पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि चीन ने जो वीडियो रिलीज किया है उस वीडियो की सत्यता पर सरकार को आगे आकर के जवाब देना चाहिए। अगर वो वीडियो सत्य है तो ये बहुत ज्यादा हृदय विदारक तो है ही, बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए है
कि यह फिर वॉर क्राइम की श्रेणी में आएगा। कांग्रेस ने कहा है कि चीन की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से वॉर क्राइम की गतिविधियों में वो संलिप्त हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर वॉर क्राइम की श्रेणी में सरकार इसको मानती है तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार को इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए क्योंकि वॉर क्राइम को वहीं ले जाना बनता है। आप लोगों को बताते चले, चीन के द्वारा जारी गलवान घाटी के वीडियो पर मोदी सरकार की चुप्पी पर कांग्रेस ने यहां पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री आखिर इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार को इस मामले में चीन की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को इस पूरे मामले पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 116 देशों में 101वें स्थान पर, भारत विकास में नहीं बल्कि भुखमरी में देश को अव्वल बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के शासनकाल में भारत लगातार गरीब देशों में शामिल होता जा रहा है। बीते कुछ सालों से देश में भयंकर बेरोजगारी आने के कारण गरीबी और भुखमरी काफी बढ़ गई है। इस बीच ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक भारत इस साल और भी नीचे आ गया है। आप लोगों को बताते चलें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स दुनिया भर में भुखमरी की स्थिति को जानने के लिए बनाई जाने वाली रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारत में बढ़ रही भुखमरी की स्थिति काफी चिंताजनक है क्योंकि भारत इस मामले में अपने पड़ोसी देशों यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी काफी पिछड़ चुका है। भारत 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें स्थान पर आया है जबकि साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। गौरतलब है कि जिस रफ्तार से भारत में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उस हिसाब से जल्द ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कई अन्य गरीब देशों को भी पीछे छोड़ देगा। मोदी सरकार देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के निशाने पर बनी रहती है। भारत में सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बढ़ रही महंगाई लोगों को गरीबी और भुखमरी की ओर धकेलने का काम कर रही है जिस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार की भजियत हो रही है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, चीन भूटान समझौते पर राहुल गांधी का तंज, बोले मित्रों को खोना ही मोदी सरकार की विदेश नीति है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनी सहमति को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मित्रों को खोना ही सरकार की विदेश नीति है। उन्होंने भूटान और चीन के बीच बनी सहमति संबंधित एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत सरकार की विदेश नीति मित्रों को कैसे खोना है और किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालना है। और वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मोदी सरकार चीनी घुसपैठ को लेकर के भी कहती आ रही है कि ना तो कोई वहां आया है और ना ही कोई गया, लेकिन फिर भी चीन से लगातार बातचीत की जा रही है। उनका कहना है कि चीन को लेकर के सरकार लगातार गफलत की स्थिति पैदा कर रही है। लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति LAC पर आखिर क्या है। लोगों को सरकार से यह जानने का अधिकार है कि लद्दाख में चीन ने कितने इलाके में घुसपैठ की है। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का और जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, यूपी के मऊ में 27 अक्टूबर को महापंचायत, राजभर बोले चुनाव के लिए होगा गठबंधन का ऐलान। आप लोगों को बताते चलें, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यूपी के मऊ जिले के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई गई है जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन संबंधी घोषणा की जाएगी। राजभर ने यहां पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ जिले में यहां पर महापंचायत होगी जिसमें गठबंधन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा वापस लिया है, बने रहेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
पंजाब की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने राहुल गांधी से सभी मुद्दों पर बातचीत की है और आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो मुझे यहाँ पर मंजूर है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।